हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूही ऑन द ब्लॉग। तो आज का मेरा कोई ब्लॉग नहीं है और आज मैं फ्रेंडशिप डे पे वीडियो बना रही हूँ। और आज फ्रेंडशिप डे है, सबको पता है, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो ये जो आप पिक देख रहे हो, इसमें जो ये वाइट शर्ट वाली जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम है प्रीति, और ये मुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये मेरी सीक्रेट गर्ल है और ये मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है और हम लोग 7th क्लास से फ्रेंड हैं और अभी तक फ्रेंड है, मतलब कि 2008 से हम लोग फ्रेंड हैं और अब भी 2020 हो रहे हैं। और उसके बाद मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है सोनम, ये है सोनम जो कि मेरी 5th क्लास से फ्रेंड है। और 5th क्लास मतलब उसमें बहुत छोटे थे तब से ये मेरी फ्रेंड है और हमने स्कूल कॉलेज सब कुछ साथ में किया है। और ये सब ये पिक जो है वो हमारा 9th क्लास का जब हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था तब की पिक है। और उसके बाद ये जो पिक अभी आप देख रहे हैं ये हमारे 12th में जब हम थे तब की पिक है। और मेरी जो फ्रेंड प्रीति है जिसने ग्रीन टॉप पहना, इसका बर्थडे था और इसका बर्थडे 15 अगस्त को आता है और हम लोग सेलिब्रेट करते थे। और ये पिक मेरी शादी के पहले की थी, जब मेरी शादी होने वाली थी तो हम लोग घूमने जाते थे क्योंकि शादी के बाद कहते हैं लड़कियों की आज़ादी ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग हमेशा घूमने के लिए जाते थे। जब मेरी शादी होने वाली थी तब की है जब हम लोग एक मेला घूमने गए थे और उस टाइम की ये पिक है। और उसके बाद मैं आप लोगों से दिखाती हूँ, जब मेरी शादी होने वाली थी तो हम लोग एक म्यूज़ियम गए थे जो कि हमारे पटना में ही म्यूज़ियम है वो, और बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है जिससे मैं 2015 में हम लोग गए थे। और उस टाइम उतना कुछ वो बना नहीं था लेकिन अभी वो बहुत अच्छा बन गया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ पिक शेयर करूँगी कि बनने के बाद वो कैसा बन गया। और ये है 2015 की पिक, जब उस टाइम भी मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, सोनम है उसका बर्थडे था। सोनम और प्रीति ये दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं स्कूल टाइम से, और भी मेरे फ्रेंड हैं बट ये दोनों बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा दिल में रहने वाले, ये लोग दिल में रहने वाले हैं। तो ये सभी पिक्स 2015 के हैं और ये सब मैंने और मेरी फ्रेंड लोगों ने संभाल के रखा है। और हम लोग जब साथ में होते थे, कहीं घूमने जाते थे तो बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाते थे। तो मैं इन लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये लोग मतलब मेरे लिए बहुत ख़ास है और समझ में नहीं आ रहा क्या उन लोगों को बोलूँ, मतलब कुछ भी जितना बोलो उतना कम है क्योंकि मैं बचपन से अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रही और स्कूल टाइम में ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे कभी फील नहीं होता था कि मैं अकेली हूँ। और ये लोग मेरी लाइफ के बहुत ही स्पेशल लोग हैं। और जैसे कि होता है कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो लोग सोचते हैं कि शादी के बाद घूमने के लिए जाएंगे, तो मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी फ्रेंड की शादी हुई सोनम की, उसके बाद हम लोग गोवा घूमने के लिए गए थे अपने अपने हस्बैंड लोगों के साथ। और हमारे हस्बैंड दोनों के हस्बैंड बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, कोई नहीं कह सकता कि इन दोनों को हम दोनों ने मिलवाया, इन लोगों से ऐसा लगता है कि इन दोनों ने हमें मिलवाया। तो ये गोवा ट्रिप की पिक है और हम लोगों ने गोवा ट्रिप बहुत ही इन्जॉय किया था, बहुत जितना लोग मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने गोवा ट्रिप को इन्जॉय किया था। और हम लोगों ने यह भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी और हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद हमारी फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी हो गई और ज़्यादा डिप हो गई। और हम लोग पहले तो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे ही, लेकिन शादी के बाद ज़्यादा अच्छे फ्रेंड इसलिए हुए क्योंकि हम दोनों के हस्बैंड भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए और वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और मतलब वो भी मतलब मेरे फ्रेंड ही हैं और वो भी बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए। और ये हमारे गोवा ट्रिप का पिक है जब हम लोग डिनर करने के लिए गए थे और उस टाइम मेरी फ्रेंड के हस्बैंड जिनका नाम प्रभु जी है उनका बर्थडे था। और वो है ये पिक 2015
17 की पिक है और ये है 2018 की पिक। जब हम मिले थे तीनों साथ में और 2018 के बाद हम लोग तीनों एक साथ नहीं मिले हैं। 2018 में हम लोग सब मतलब उस टाइम पटना में ही थे, मैं भी पटना ही गई हुई थी और मेरी फ्रेंड भी पटना आई थी कुछ काम से, तो हम लोग गए थे घूमने के लिए। पटना हमारे पटना में बुद्धा पार्क है और वहाँ हम लोग घूमने के लिए गए थे और बहुत ही इंजॉय किए थे और वो पार्क बहुत ही अच्छा है और हम लोग शादी के पहले भी वहाँ पे जाते थे घूमने के लिए। और शादी के पहले तो हम लोग बहुत घूमते थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मस्ती करते थे। और ये दोनों मेरी पगली फ्रेंड है और दोनों ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और जब हम लोग साथ में होते हैं तो बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, मतलब पागलपंती से सवार हो जाती है। और ये पिक है जो ये दोनों दिल बना रही है और मेरे को दिल में ये लोग कैद कर रही है। और फिर उसके बाद ये पिक है 2018 के वैलेंटाइंस डे की पिक है और उस टाइम हम लोग पटना में मिले थे। और संजोग ऐसा हुआ था कि मैं एक शादी में गई थी और वो लोग भी किसी काम से आए थे पटना और हम लोग सब मिले थे वैलेंटाइन डे के दिन और हमने वैलेंटाइन डे पूरा दिन एंजॉय किया था और बहुत मज़ा आया था। और कहते हैं ना कि भगवान अगर किसी को दिल से हम याद करते हैं तो भगवान भी मिला देते हैं, तो वैसा ही हमारे साथ उस वैलेंटाइन डे पे हुआ था कि कोई प्लानिंग हमारी नहीं थी और हम लोग अचानक से मिल गए। और अब मैं मिलवाती हूँ, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, इनका नाम रंजू है और हम लोग पहली बार मिले थे इस दिन और तब ये पिक हमने क्लिक की थी। पहली बार हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे और ये मुझे बैंगलोर में मिली थी और ये पिक हमारी तीज की है, पहले मतलब मेरी सेकंड तीज थी, इनकी पहली तीज थी तो साथ में ही हमने किया था। और ये बहुत ही अच्छी हैं, मतलब इतनी अच्छी हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती और बहुत ही सॉफ्ट हैं। और जब मैं बोल रही हूँ इनके लिए तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। और ये मेरी फ्रेंड कृति हैं जो मैं इनसे मैं फ़र्स्ट टाइम बैंगलोर में मिली थी और ये मेरे घर के पास की हैं और मेरी ये मेरे फ्रेंड मतलब हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ है और शादी के बाद पहली बार ये आई थी बैंगलोर और मेरा एनिवर्सरी था तब हम लोग पहली बार मिले थे, तब की पिक है। और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, रंजू और कृति ये दोनों बहुत अच्छे बैंगलोर में फ्रेंड बन गए थे। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, मतलब मेरे साथ क्या है कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती, मुझे घुलना मिलना ये सब नहीं आता, तो कम ही लोग होते हैं जिनसे मैं घुल मिल पाती हूँ। तो ये मेरी एनिवर्सरी की पिक है और बहुत ही स्पेशल हुआ था उस टाइम, सेकंड एनिवर्सरी थी मेरी, तो इन लोगों ने बहुत ही स्पेशल मतलब फील करवाया था। और उस टाइम मेरी जो फ्रेंड है रंजू, ये उस टाइम प्रेग्नेंट थी और उस टाइम शायद इनका 7 मंथ चल रहा था, तब देख रहे बहुत ये बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और ये हैं उनके हस्बैंड, ये भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ये भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इनके हाथ की चाय, ये दोनों बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, तो इन जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तो इन लोगों के हाथ की चाय बहुत मिस करती हूँ। तो आप लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है आप लोग सुनना कि मुझे आप लोगों की चाय बहुत याद आती है। और जितना बोलूँ उतना कम है। और उसके बाद कृति मतलब हम दोनों मिलके पार्क में हमेशा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, मतलब हमारा एक रूटीन था, हम लोग सुबह सुबह रोज़ पार्क जाते थे और शाम को भी पार्क जाते थे और ढेर सारे गप्पे मारते थे, तो वो सब कुछ मैं मिस करती हूँ और मुझे पता है कि आप भी मिस करती हैं। और रंजू इनके साथ मतलब हम लोग हमेशा पार्टीज करते थे, जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ शादी के पहले पार्टी करती थी घूमती थी, वैसे इनके साथ भी मेरा ऐसा था कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते थे, पार्टीज़ करते थे, मेरा बर्थडे उनका बर्थडे हमारी एनिवर्सरी उनकी एनिवर्सरी, फिर
फिर से क्रिसमस पार्टी हो गया, उसके बाद हो गया है न्यू ईयर की पार्टी। ये मेरे बर्थडे टाइम की पिक है और उस टाइम वो प्रेग्नेंट मतलब थी और तब की पिक है। और उसके बाद हम लोगों ने पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था और ये है न्यू ईयर टाइम की पिक। तो रात के 12 बज रहे थे तब हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था साथ में। और उस टाइम बेंगलोर में बहुत मज़ा आया था। उसके बाद से मैंने कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट ही नहीं किया क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो हमने सेलिब्रेट नहीं किया। सो इस बार अगर कोरोना सही हो जाए तो न्यू ईयर ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। और ये उस टाइम की पिक है जब मैं बेंगलोर को छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, मतलब कि ये लास्ट दिसंबर की पिक है, 29 दिसंबर की है शायद। और हम लोग लास्ट डे बेंगलोर में थे और उस दिन हम लोगों ने बस ऐसी ही छोटी सी पार्टी की थी और हर कोई उदास था, हम भी उदास थे, वो लोग भी बहुत उदास थे क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ गिने चुने लोग ही हैं और ये जितने भी लोग हैं सभी बहुत ही क्लोज हैं। और मतलब क्या बोलो, ये पिक जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों ऐसा हो गया कि हम लोग दिल्ली आ गए बेंगलोर को छोड़कर, क्योंकि बेंगलोर बहुत अच्छा था, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा था, कल्चर भी मुझे वहाँ का बहुत पसंद आता था। लेकिन क्या होता है ना कि हम एक जगह नहीं रह सकते हैं और जॉब होता है तो कभी इधर कभी उधर जाना ही पड़ता है, तो सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जो क्लोजनेस हो जाती है उसके बाद थोड़ा दुख होता है, जैसे एक बेटी की शादी होती है तो माँ को छोड़कर जाना पड़ता है, तो वैसे ही हो जाता है, हम सबको छोड़कर जाते हैं। तो ये है मेरी क्यूटी पाई जो मतलब कि मिठाई खा रही है और ये बहुत ही बदमाश हो गई है, सुनने में ऐसा आता है। और पहले जब हम लोग आ रहे थे उस टाइम ये 6 महीने की थी, अब ये 2 साल की हो चुकी है और उसके बाद मैंने इसे देखा नहीं है, वीडियो कॉल पे ही देखती हूँ। और जब ये सब कुछ सही हो जाएगा फिर हम बेंगलोर जाएंगे, उसके बाद वहाँ भी ब्लॉग बनाएंगे सबके साथ, क्यूटी पाई के साथ भी, क्योंकि बहुत दिन हो गए क्यूटी पाई को देखे हुए। और तो आप लोग बताना कि ये जो मेरा फ्रेंडशिप डे का फ़ोटो का कलेक्शन है कैसा लगा। ये मैं जब बना रही हूँ तो मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है कि मतलब अभी इन लोगों के साथ नहीं हूँ और बहुत दिन हो गए मिले हुए सभी लोगों से, क्योंकि ये कोरोना ऐसा है जो कि सोशल डिस्टेंस हमसे करवा रहा है और हम किसी से नहीं मिल सकते और वीडियो कॉल पे सिर्फ हम सबसे बात कर सकते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड आशा तिवारी है और ये भी बहुत अच्छी हैं, ये भी मुझे बेंगलोर में मिली थी और ये अंडमान से बिलोंग करती हैं। तो ये मतलब कि इनसे भी मुझे बेंगलोर में ही मिलना हुआ था और ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं साथ में रहते लेकिन हमारी बात बहुत अच्छी होती है और ये भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और बस इतना ही है। और फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्ती हमारी होती है, ये दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता होता है बाकी सभी रिश्तों से, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। और आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी ये फ्रेंडशिप की फ़ोटो कलेक्शन कैसी लगी और कमेंट करना। और मेरी और भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मतलब वो सब भी क्लोज ही हैं लेकिन मेरे पास उतने सारे पिक्स नहीं थे और मतलब पिक्स नहीं थे तो मैंने नहीं बनाए। और ऐसा मत, आप लोग कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं वो लोग, आप लोग मत सोचना कि आप लोग स्पेशल नहीं हो, सब कोई मेरे लिए स्पेशल है। लेकिन मुझे मन था बहुत दिनों से कि मैं ये वीडियो बनाऊं अपने कुछ ख़ास फ्रेंड्स लोगों के लिए, तो वो ख़ास वक्त भी होना बहुत ज़रूरी था, तो वो था फ्रेंडशिप डे। और फ्रेंडशिप डे पे मैं वीडियो हमेशा बनाती हूँ फेसबुक पे अपडेट करने के लिए और व्हाट्सएप पे अपडेट करने के लिए, तो
तो अब तो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी मैंने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो बनाकर अपडेट करती हूँ। तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर बोलना, और सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को कुछ स्पेशल फील करवाना, क्योंकि मैंने ये वीडियो